YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाएं सबसे पहले सबसे आगे। बंसीधर नगर अंतर्गत भोजपुर पंचायत मुखिया अनीता देवी की कार्यशैली से नाराज उप मुखिया व वार्ड सदस्यों का अनशन आज दूसरे दिन भी जारी रहा। बीपीओ रविशंकर सिंह व बीसीओ गजनफर अली खान ने अनशनकारियों को समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन अनशनकारियों ने एक न सुनी। वहीं स्वास्थ्य बिगड़ने पर चिकित्सकों ने अनशनकारियों का स्वास्थ्य जाँच भी किया। जो पैसा आता है सब मनमानी करके बेटा और पति पर काम ले रहे हैं, किसी बारी को दे दे रहे हैं। हम लोग से तो कोई बातचीत भी उनका नहीं हो रहा है, बिना काज करने किए भी काम पास कर ले रही है। हम बहुजन समाज पार्टी के नगर प्रखंड नगर स्टार्ट में बहुजन समाज पार्टी के शहर के उपाध्यक्ष पद पर हम चुनाव लड़े हैं और यहाँ पर जो भोजपुर पंचायत के समस्या के बारे में ग्रामीणों और वार्ड सदस्य द्वारा जो अनशन का दूसरा दिन है, इन लोगों का जो मांग है जायज़ है और मैं नैतिक समर्थन इन लोग के साथ है, नैतिक समर्थन भी करते हैं। और जब तक मांग इन लोग का मांग नहीं मिलता है तब तक ये लोग अड़े रहे, और हमें पूरा विश्वास है और आशा है कि इन लोग का मांग मिलेगा और इन लोग का जीत होगा और इसी के अनुसार अनशन समाप्त होगा और जो दोषी होंगे उनको बर्खास्ती की जाएगी। हम लोग का अमर अनशन का ये दूसरा दिन है। अभी तक हम लोग के दूसरा दिन चल रहा है, अभी तक कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। हम लोग के मांग है, मांग के अनुसार मुखिया को जो हम लोग 10 को पॉइंट रखे हैं, सारी योजना का जांच किया जाए, अगर गलत है तो मुखिया पर कार्रवाई किया जाए, कार्रवाई करते हुए उनको बर्खास्त किया जाए। जब तक उनको बर्खास्त नहीं किया जाएगा हम लोग अमर अनशन पर जमे रहेंगे। मुखिया भोजपुर पंचायत के मुखिया अनीता देवी, उनका जब भी पंचायत में कार्यकारिणी हुआ है जितना भी पैसा राशि है पंचायत का गलत ढंग से दुरुपयोग किया गया है, कभी वार्ड सदस्य का कार्यकारिणी किया नहीं गया है, अपने पति के मुखिया पति के नाम से किसी पद का निर्माण करवाया गया है, दूसरा में अपने बेटे के नाम से सुमोसरा नाली का निर्माण करवाया गया है, मेरे पंचायत का पैसा दूसरे पंचायत में खर्चा किया जा रहा है, दूसरे गांव के लाभुक मेरे गांव में काम कर रहे हैं, पैसा का बंदरबांट किया जा रहा है। इसी सवाल को लेकर हम लोग आज अमर अनशन पर बैठे हैं, दूसरा दिन चल रहा है, अभी तक अफसर पर अधिकारी को कान तक आवाज़ नहीं गई है। जब तक हम लोग की मांग नहीं पूरी होती है, जांच करके मुखिया पर कार्रवाई नहीं किया जाता है, तब तक अमर अनशन पर बैठे रहेंगे।